पंचकुला पुलिस के तब हाथ पांव भूल गए जब पुलिस को सूचना मिली सेक्टर 16 की चौकी में से एक कैदी बाथरूम करने के बहाने से फरार हो गया है। सेक्टर 16 के चौकी इंचार्ज गुरपाल सिंह ने बताया है कि अजय उर्फ जंगली, जिसकी उम्र 23 साल है, जिसने लॉकडाउन के समय में झगड़ा किया था जिसकी वजह से कोर्ट में उसके खिलाफ केस चल रहा था और अजय कोर्ट की तारीखों पर नहीं जा रहा था और अजय को गिरफ्तार करने के ऑर्डर किए गए थे। पुलिस ने उसको इसी जुर्म में गिरफ्तार किया था। एक तारीख को आरोपी को उसी के मकान नंबर 1236 पंचकुला की इंदिरा कॉलोनी से गिरफ्तार किया था और कल सुबह बाथरूम करने के बहाने अजय सेक्टर 16 की चौकी से मौका पाकर फरार हो गए। तभी सेक्टर 16 की चौकी के सभी पुलिस कर्मियों के हाथ पांव फूल गए और टीम रेड पे निकल गई। आपको बता दें कि आरोपी अजय को कल सुबह चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार कर लिया गया था और पंचकुला कोर्ट में पेश करके अंबाला जेल भेज दिया गया है। जी सर, बताएंगे एक आरोपी चौकी के अंदर से फरार हो गया था, सर क्या मामला है? सर देखिए, हमने एक बेल जम्पर अरेस्ट किया था 1 तारीख को। ये 113/20 मुकदमा था 2020 का, उसमें इसने तारीख तोड़ रखी थी और ये कोर्ट का बेल जम्पर था और ये हमने अरेस्ट किया था और इसको कोर्ट में पेश करना था। पेश करने से पहले ये बाथरूम का बहाना बनाकर चौकी से जो है फरार हो गया था, जिस पर हमने FIR दर्ज की थी इसके खिलाफ और करीब 5 घंटे के अंदर अंदर हमने इसे राउंड अप कर लिया है और कोर्ट में पेश किया है। कोर्ट ने इसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया। तो सर, ये किस मामले में था और कहाँ से फरार हुआ था? सर ये लड़ाई झगड़े का मामला था 2020 का, उसमें कोर्ट में ट्रायल चल रहा था तो इसने तारीख पे ही अपनी गया नहीं तो कोर्ट ने इसे बेल जम्पर करार किया हुआ था। सर कितने घंटे में इसको पकड़ा गया? हमने करीब 5 से 6 घंटे के अंदर इसको राउंड अप कर लिया है राजीव कॉलोनी से। तो सर कहाँ अभी जुडिशियल भेज दी गई? हाँ, हमने इसे कोर्ट में पेश किया था, कोर्ट ने इसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया है हमारा सेंट्रल जेल। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।